आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ड्रिंक जिसे मैंने अपने डेली बेसिस में इसे फॉलो किया है एंड 30 डेज तक, इट मींस 1 मंथ तक फॉलो किया है। इसकी वजह से मुझे मेरे स्किन टेक्सचर, मेरा हेयर टेक्सचर एंड मेरी हेल्थ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। Everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ ज्योति। So today I am going to share another useful video with you. Yes, so आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ my personal experience for this product. This is in the range of Well of Modicare and this is an amla juice as you can see. So basically मैंने इसे 1 month तक consume किया है and for your kind information मैं बता दूँ कि मैं इसे काफी time पहले से approximately 1 year से मैं इसे consume कर रही हूँ but मैं इसके लिए बिल्कुल regular कभी नहीं रही थी। 7 days किया, 1 month किया, 2 weeks किया, कुछ इस तरीके से इसे कंज्यूम करती थी। कभी मॉर्निंग में मिस हो जाता था, कभी इवनिंग में मिस हो जाता था, तो इस तरीके से मैंने इसे यूज किया। बट इस बार मैंने इसे 1 month तक रेगुलर डेली कंज्यूम किया है। तो मैंने इसे कैसे किया है, क्यों किया है, कब कब किया है एंड इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऑब्वियसली आप लोगों ने इसका थंबनेल में या बाहर से आपने अंदाजा लगा लिया हो कि आंवला जूस से हमारे हेयर को, हमारी स्किन को एंड हमारी हेल्थ को ऑब्वियसली काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। एंड मैंने आंवला जूस के ऊपर काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर रही है। इसके आइस क्यूब मैंने आपके साथ शेयर किया, हेयर स्प्रे आपके साथ शेयर किया एंड इसे इंटरनली कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या होता है, सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। फुल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वॉच टिल द एंड, नॉट स्किप द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने मोदी केयर का ही वेल रेंज का आंवला जूस क्यों चूज किया है। सो मैंने चूज किया है ये वाला प्रोडक्ट एज यू कैन सी। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट ही है आंवला जूस के लिए। इससे पहले मैंने जो फ्रूट होता है इंडियन गूसबेरी होता है उसी का जूस या उसी को मैंने इसे कंज्यूम किया होगा, अदरवाइज इसके अलावा मैंने कोई जूस कंज्यूम किया ही नहीं है। तो आपके पास जो भी जूस हो आप उसे कंज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज आप आंवला को लाके उसका जूस बना के खुद से पी सकते हो। सो ये प्राइस वाइज भी अच्छा है एंड ये प्योर है, नेचुरल प्रोडक्ट है, दैट इज वाई आई ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसे कब कब यूज करना है। सो बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट यू कैन टेक दिस एंड एट द नाइट यू कैन टेक दिस आफ्टर हैविंग डिनर। सो बेसिकली बिफोर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर आपको इसे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज क्यों किया है, मैंने आंवला जूस को यूज ही क्यों किया है, कंज्यूम क्यों किया है। सो या दिस इज द आंसर, टू गेट ऑल द बेनिफिट्स of this product of the amla juice for my hair, for my skin and for my health as well. जो भी मेरा 1 month का एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है ऑनेस्टी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एज यू ऑलरेडी नो आंवला जूस इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ द विटामिन सी। सो विटामिन सी का ये इतना बड़ा सोर्स है, जिसे आप कह सकते हो स्रोत है। इसको कंज्यूम करने से सोचो हमारी बॉडी में कितना सारा विटामिन सी जाएगा, जिससे हमारी स्किन में तो ग्लो आना ही है। आंवला को हम इस नाम से भी जानते हैं कि वो हमारी बॉडी का, हमारी हेल्थ का पावर हाउस कहलाता है। रेगुलरली इसे कंज्यूम करने से, मॉर्निंग एंड नाइट कंज्यूम करने से हमारी बॉडी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है, हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखता है। तो बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट में आएगा, जिससे हमारी स्किन पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड हमारे हेयर को भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। बिकॉज जो भी हमारी एक्सटर्नल चीजें, हमारी स्किन है, हमारे हेयर है, वो हमारे इंटरनल से जुड़ा हुआ होता है। इंटरनल हेल्थ ही रहेगा सो एक्सटर्नल बिल्कुल टॉप क्लास रहेगा। तो डेली बेसिस पे जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना, तो उनसे हमें अच्छा खासा प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है आंवला जूस। विटामिन बी, फॉस्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, आयरन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है। फाइनली अब बात कर लेते हैं मैंने इसे 1 month में कैसे कैसे कंज्यूम किया है। सो बेसिकली जब मैं सो के उठती थी तो मैंने जैसे ब्रश व्रश किया एंड मुझे मालूम है कि मुझे ब्रेकफास्ट में भी 2 hours है, 1 hour है, तो इस तरीके से मैं उस टाइम पे एम्प्टी स्टमक ही से लेती थी। इट मीन्स मैं खाली पेट ही इसे कंज्यूम करती थी। थोड़ा सा आपको ना ल्यूक वार्म वाटर लेना है, एज यू ऑलरेडी नो मैं ल्यूक वार्म वाटर ही कंज्यूम करती हूँ, तो थोड़ा सा लेना है और कुछ इतनी क्वांटिटी में मैं इसे मिक्स करूंगी एंड इसे कंज्यूम करूंगी। सो इसका टेस्ट खट्टा खट्टा है, ऑब्वियसली ये आंवला है तो खट्टा ही होगा एंड ऐसा भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता इसे कंज्यूम करना, बिकॉज मेरे लिए तो ओके ओके है, मैं खट्टा ले लेती हूँ आराम से। सो या इसे कंज्यूम करना है, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, जो भी आपका डेली रूटीन है, आप जो भी खाते हो वो सब आपको करना है। एंड एट द नाइट जैसे आप अपना डिनर इनटेक कर लेते हो तो उसके 1 hour 2 hour के गैप में आपको ये वाला ड्रिंक अगेन कंज्यूम करना है। सो या ये था सिंपल सा बेसिक सा कि
कि मैं इस तरीके से कंज्यूम करूंगी, तो अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसे कंज्यूम करने से हमारी स्किन का जो एजिंग साइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, जिससे हमारी स्किन की एज ज्यादा लगने लगती है या फिर आपकी स्किन की एज आपकी एज बताने लगती है, तो उसको ये पोस्टपोन करता है, डिले करता है, इसका मतलब स्लो डाउन करता है। प्लस हमारी स्किन में रेडियंस देता है, ग्लो देता है एंड हमारी स्किन हेल्दी नजर आने लगती है। तो ये तो था स्किन का बेनिफिट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी स्किन टाइट होने लगती है, जो हर कोई चाहता है कि अपनी स्किन में कोलेजन मेंटेन रहे। अब आती है बारी आपके हेयर में क्या क्या बेनिफिट देता है। सो आपकी स्कैल्प पे सर्कुलेशन देता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर है वो लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ उनको मिलती है, हमारे हेयर का टेक्सचर इंप्रूव होता है, हमारे हेयर की हेल्थ इंप्रूव होती है एंड आंवला में भर भर के विटामिन एंड मिनरल देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर भी स्ट्रांग होते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ के लिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो डेली बेसिस में आंवला जूस कंज्यूम करने से हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं फ्लश आउट करता है, बॉडी हेल्दी होने लगती है, प्लस हमारी आई साइट इंप्रूव होती है, हमारा जो बॉडी का ब्लड है वो प्योरीफाई होता है, कॉन्स्टिपेशन पाइल्स की प्रॉब्लम से भी राहत मिलती है, लिवर एंड बोन्स को ये स्ट्रेंथ देता है। डेली बेसिस का वो छोटा मोटा कफ एंड कोल्ड होता है ना, उसे आपको प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। सो या आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, अगर रही हो तो मेक श्योर लाइक करना है भर भर के, इस वीडियो को शेयर कर दो भर भर के, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आई डोंट नो आपने अभी तक कैसे नहीं किया है। सो आपको करना है रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब, ओनली वन टाइम आपको करना है, कोई भी पैसा नहीं जाएगा, एक भी पैसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, ना मुझे एक भी पैसा मिलेगा। सो या कीप सपोर्टिंग मी टिल देन, बाय बाय।